सोनमर्ग इंडियन आर्मी वेलकम्स यू। तो सभी को यहाँ पे स्वागत कर रहा है कि आर्मी के थ्रू, जैसे कि इनकी ये रहा यहाँ पे लोकेशन की बात करें तो। सो अभी हम आ गए सोनमर्ग मार्केट की तरफ, बट मेरे साथ ये मिस्टर समीर मेरे साथ फिलहाल यहाँ पे रोड में ट्रैवल कर रहा है। तो समीर आप क्या कहना चाहोगे यार? कुछ नहीं कहना चाहता हूं भाई। कितना बर्फ हो गया, आपको क्या लग रहा है? बर्फ फिलहाल होगा 5-10 फुट है यार, बंदा शर्मता यार, जैसे लड़की है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो ये बोले के बिना इसको फेस दिखाए तो लोग दीवाने हो जाते हैं, शक्ल नहीं दिखाते। वो बात तो सही है यार। तो ये लोकेशन कहाँ है अभी? अभी हम सोनमर्ग मार्केट के तरफ आ गए हैं, पहुंच गए हैं। ठीक, रास्ता कहाँ तक क्लियर किया अभी तक? यहाँ अभी तक मैं आगे गया नहीं, देखेंगे कहाँ तक गया है। वो सही बात। तो आपको क्या लग रहा है कि जो रास्ता साफ किया हुआ, किसने किया होगा? ये कंपनी की कंपनी, वो डोजर आया होगा, किसने किया होगा। हाँ ठीक। तो आपको क्या लग रहा है, आज ओझला पे काम चले गया नहीं? जैसा कि वहाँ से ऑलरेडी पहले निकला हुआ था बीआरओ टीम के लोग, तो आज क्या काम कर गया नहीं, आपको क्या लग रहा है? क्या पता उसके बारे में, तो कुछ पता नहीं है, तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो इस बर्फ से जैसा कल शाम को हुआ था, तो कुछ खतरा है? तरह गया बंदा बड़ा खुश है। हाँ बोलना, बड़ा खुश है वो बंदा। हाँ तो बोल, आपको क्या लग रहा है? जैसा कि इतने यहाँ पे स्नोफॉल हो, तो इससे आप लोगों को मैसेज देना चाहते हो कि ये खतरा है कि या नहीं? कोई खतरा नहीं भाई, एंजॉय मारो, मस्त चिल मारो। हाँ वो तो अच्छा। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहे फिलहाल। अगर मान लो यहाँ पे 10 इंच के आसपास यहाँ पे स्नोफॉल रात को पड़ा था, तो बात करें यहाँ पे पूरी तरह, यहाँ पे सारी दुकानें जो है अभी बंद पड़े फिलहाल। तो यहाँ पे जो होटल में रहते लोग कुछ यहाँ पे, ढाबा है कौन से है? चल ढाबा है यार, वही बोलो। ठीक है, यहाँ से बंदे निकल के अपने साइड वाले जगह हटा रहा है ताकि अंदर आने के लिए रास्ता बने। एंड इसके शरीर ढाबा है ना ओपन है, ये देख सकते हैं ढाबा। ये कहाँ है दानिश? और बोलना, ये दानिश की मशीन है। कसम से मैं कसम। और बोलना, और क्या बोलेगा मेरे ऑडियंस को, क्या बोलना चाहते हो? आपके ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ, हाँ कोई सोनमर्ग बताओ सबसे बकवास जगह है। उल्टा मत बोलो, सीधा बोलो, तारीफ करो। क्या तारीफ करूँ, क्या बोलूँ, क्या तू ही बोल, क्या बोलूँ। बोलो यार, क्या लग रहा है आपको, आने चाहिए उनको घूमने? बहुत आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। हाँ। बहुत अच्छी सीनरी है, एक्सप्लोर करने के लिए मस्त जगह है। हाँ, मस्त जगह है। मशीन तो यहाँ रुका हुआ है, तो यहाँ पे दो टिपर भी है। एंड ये थोड़ा सा हटा है बर्फ, बाकी ना वहाँ से जो बीआरओ टीम की टिपर वहाँ पे बाकी मशीनें पड़ा है, वो वहीं से आगे की ओर रास्ता क्लियर करेगा। बाकी ये जो है ना साफ, सिर्फ एक टिपर भी कर देगा इसको साफ। बाकी अगर इस पर धूप भी पड़ेगी नहीं, शाम तक ख़त्म ही हो जाएगा, ऐसा सीन है आज का, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर में फ़र्क भी आ चुका है। तो यार यही रहा कुछ नज़ारा सोनमर्ग का, तो सारी दुकानें बंद पड़ा है और साइड से ये कुछ नज़ारा आप देख सकते हो। तो जिसको भी सोनमर्ग आने वो आ सकते हैं, मुझे कमेंट करें, तो मुझे DM कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको यहाँ का पूरा डिटेल बता दूँगा। बाकी ये मौसम पूरी तरह आज क्लियर है। एंड ये तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी नीचे का सीन जिसको डाउनलोड कर रहा हो कर सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पे हेयर कट वाले बंदे भी इधर शायद अंदर बैठा हुआ, क्योंकि दुकान खुला है। देखो अभी तो बर्फ़ तो ऐसे ही पड़े यहाँ पे, अभी ना फिलहाल गाड़ी चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर जिसको भी सोनमर्ग आने, वांटी स्किट चैन अपने साथ लाइए ताकि फिर यहाँ पे दिक्कत ना पड़े। जैसे कि इन गाड़ी को नीचे जाने के लिए ना इस बर्फ़ को जो क्लियर करने का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है कि नीचे जा सकते। अगर एंटी स्किट चैन लगाए हैं तो उनको छोड़ने के चांस और दिक्कत कम पड़ेगा। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पूरी तरह सोने में ढक चुका है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक इनोवा एंड ट्रैवलर SUV। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटी स्किड चैन ये लगाया हुआ है, मैंने पहले ही कहा था दोस्तों इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ पे कुछ बंदे काम कर रहे हैं, ये JSP ना इस बर्फ़ को हटाएगा, थोड़ा इनको ना फायदा हो जाएगा इससे। बाकी इनको ना यहाँ से जाने हैं एपको टनल तक, ये कुछ बंदे यहाँ पे सामान सेटअप कर रहा है ताकि यहाँ से अपने घर के तरफ लौट जाए। शायद ये लोग रात को इधर ही फंस गए थे, क्योंकि रात को ना ये अचानक से बर्फ़ हुआ था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा स्नोफॉल हो सकता है। और यहाँ पे एक दुकान, चलो चश्मा लाएगा, चलना है यार, आना यार, तेरे को जरूरत पड़ेगा, कसम से पड़ेगा, नहीं चाहिए चश्मा, कसम से चलना है। गाड़ी में क्या चश्मा? एक ही गाड़ी इधर पड़ा है, क्या बोलता है गाड़ी को? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
तो बस यही दोस्तों, बस अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ कि ऐसे कंडीशन में वीडियो बनाता हूँ। यहाँ से सोनामर्गेंट, बाकी वहाँ हम आगे सफ़र शुरू करेंगे, तो वीडियो एंड करते तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूँगा, तो वीडियो कहीं पर एंड करते। सो थैंक यू, अपने भाई को दुआ में याद रखना। तो इजाज़त दीजिए, अस्सलामुअलैकुम।